नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस साल दशहरा का त्यौहार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन रावण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। रामनगर में दशहरा का आयोजन पायते वाली रामलीला के तत्वाधान में किया जाता है। बता दें, साल 2017 से यह आयोजन और पुतला दहन का कार्यक्रम एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में चल रहा था, लेकिन इस बार हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रशासन ने यहां पर आयोजक करने की अनुमति नहीं दी, जिससे रामलीला कमेटी और प्रशासन के बीच एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। प्रशासन ने पुतला दहन को लेकर दूसरा स्थान चिन्हित किया गया था, लेकिन रामलीला कमेटी ने प्रशासन के तय किए गए स्थान पर जाने से मना कर दिया और अपने पुराने स्थान में पुतला दहन करने की बात कही, मगर प्रशासन ने रामलीला कमेटी को यहां भी अनुमति नहीं दी। जिसके बाद एसडीएम राहुल शाह ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें पुरानी तहसील परिसर में स्थित पार्किंग स्थल में रामलीला आयोजन करने का प्रस्ताव कमेटी के सामने रखा गया, जिसे अब कमेटी ने मानते हुए इस स्थान पर आयोजन करने की निर्णय लिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस मामले में बात करते हुए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि मेले में जनता की सुरक्षा को लेकर और प्रशासन के अनुरोध के बाद रामलीला कमेटी ने यह निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन से पुराने तहसील परिसर स्थित पार्किंग को दशहरा मैदान घोषित करने की मांग की है। हाईकोर्ट में हमने काफी प्रयास करा, मगर हमें अनुमति नहीं मिली और चूंकि समय नहीं था, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। इसके बावजूद हमारी जनता ये चाहती थी कि क्योंकि हम नगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि नगर के अंदर ही हमारा जो है पुतला दहन हो, इसलिए हमने स्टैंड लिया था कि हम पुरानी जगह पर ही पुतला दहन करेंगे, मगर प्रशासन इस बात के लिए अनुमति नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ पर इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से हमने भी जनता की और प्रशासन की और अपनी कमेटी वालों की परेशानी को समझते हुए हमने ये अपना निर्णय लिया कि पुरानी तहसील पर ही पुतला दहन किया जाए। सरकार और प्रशासन ये नहीं समझता कि जनता से ही वो लोग हैं और हम लोगों को बार बार इधर उधर किया जाता है। हम ये मांग करते हैं, अगर यहाँ पर पुतला दहन सुचारू रूप से हो तो ये हमें परमानेंट ये वाली पुरानी तहसील अलॉट की जाए, इसकी मांग हम प्रशासन और सरकार से करते हैं। देखिए, इस बार रामनगर में दशहरा व्यवस्था के लिए पिछली बार जो जगह था वो हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इस बार वहाँ आयोजन नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रशासन की कल टीम द्वारा सर्वे किया गया, इस आधार पर हमारे द्वारा पुरानी तहसील जो रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित है उसको फाइनल किया गया है। अभी वहाँ जो भी जरूरी आवश्यक संसाधन है या आवश्यक मतलब व्यवस्था बनानी है वो प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है और वहीं पर इस बार दशहरा का आयोजन किया जाएगा। सर, ट्रैफिक प्लान भी कुछ चेंज होगा? हाँ, क्योंकि ये मेन रोड पे ये एक कार्यक्रम स्थल पड़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग जो शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था भी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि यह टूरिस्ट प्लेस भी है तो उसी के अकॉर्डिंग नया ट्रैफिक प्लान बना के समय से मतलब पब्लिक को दे दिया जाएगा। सर, गाड़ियाँ वहाँ पार्किंग स्थल पर खड़ी हैं तो किस प्रकार की प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई? कल हमारे द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, जिन लोगों की पार्किंग में वहाँ वाहन लगे हैं वो वहाँ से हटाए जाएँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे अनुरोध करता हूं कि वहां से अपने वाहन हटा लें, वरना उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उसको जगह को, हमारे पास समय कम है, हमें उसको दशहरे के लिए तैयार करना है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि वहां से अपने वाहन हटा लें। रामनगर में पायते वाली रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा और तथा इसी दिन रावण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन भी किया जाएगा। आपको बताते हैं कि पूर्व वर्षों में पुतलों का दहन एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में होता था 2017 से, लेकिन इस बार माननीय हाईकोर्ट की रोक के बाद ये दशहरा मेला एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में न लगने के फैसले के बाद रामलीला कमेटी और प्रशासन के आगे एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। लगातार प्रशासन रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से वार्ता का दौर उनका जारी था, तो वही इस मामले में रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने पुराने स्थल पैंट पड़ाव पर पुतला दहन करने की बात प्रशासन के सामने रखी थी, लेकिन वहाँ वर्तमान में जो इंक्लोजमेंट हुआ है और जिस प्रकार जनता की भीड़ लगातार बढ़ रही है उसकी जनता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पैंट पड़ाव में भी रामलीला कमेटी को पुतला दहन करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद स्थान चयन की प्रक्रिया चल रही थी, जो शनिवार को प्रशासनिक टीम की जो एक कमेटी बनी थी उसमें पुरानी तहसील में पार्किंग स्थल को जो बनाई गई है, जहाँ बहुमंजिल पार्किंग का निर्माण होना है, उस स्थान को जो है दशहरे मेले के लिए चुना गया है, जिसके बाद
प्रशासन ने यह प्रस्ताव रामलीला कमेटी के सामने रखा और उनसे अनुरोध करते हुए कहा कि दशहरे मेले में जनता की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखकर जनता की सुरक्षा को लेकर पुरानी तहसील में बने पार्किंग स्थल पर पुतला दहन किया जाए। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रशासन के अनुरोध को और स्थान चयन किया उस पर सहमति व्यक्त कर दी है, जिसके बाद प्रशासन ने जहाँ एक और राहत की सांस ली है तो वहीं कमेटी के पदाधिकारियों ने भी प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने सरकार से मांग की है कि जो अब नए पार्किंग पर जो पुरानी तहसील में पार्किंग स्थल पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस स्थान को दशहरा मेला स्थान घोषित किया जाए, क्योंकि हर वर्ष की बार जो है यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम होना है। उन्होंने कहा कि हर बार ये इस प्रकार की दिक्कतें आती है और भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतों से बचा जा सके। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि पुरानी तहसील में बनी पार्किंग स्थल को दशहरा मेला घोषित किया जाए। वहीं स्थान चयन होने के बाद कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पार्किंग में जो भी वाहन खड़े थे इनको हटाने के लिए कल अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी को सचेत कर दिया गया। वहीं पुलिस कर्मियों की यहाँ ड्यूटी भी लगा दी गई है, यहाँ कोई गाड़ी अब इस समय नहीं खड़ी की जा रही है। और उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व को देखकर रामनगर का उस दिन दशहरे के दिन मंगलवार को रूट डाइवर्जन का भी एक आदेश जारी किया जाएगा। उस दिन इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहेगा। कोतवाल ने बताया कि सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पूरी तरह तैयारियां की जा रही है, किसी भी प्रकार की चूक ना। तो वहीं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी अब दशहरे मेलों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।